16 तारीख को एक रिक्शा चालक गायब हुआ था जिसकी मौत का खुलासा पर्दाफाश आपने किया है, क्या मामला है, क्या जानकारी है? दिनांक 21 फरवरी को थाना कोतवाली देहात में सूचना प्राप्त हुई कि एक अज्ञात व्यक्ति की लाश जंगल में पड़ी हुई है। इस सूचना पर छानबीन से ज्ञात हुआ कि 16 तारीख को कोतवाली नगर से एक व्यक्ति ई रिक्शा चालक गायब है। बाद में उनकी शिनाख्त हुई। पुलिस ने गहराई से छानबीन करते हुए और संभ्रांत जनों के साथ इसको सोशल मीडिया पर भी शेयर किया गया और उन्हीं में से एक संभ्रांत नागरिक के द्वारा पुलिस को गोपनीय सूचना प्रदान की गई कि अभियुक्त फला फला हो सकते हैं। इस सूचना पर पुलिस के द्वारा गहराई से छानबीन करते हुए उक्त गिरोह के 2 सदस्यों को गिरफ्तार करने में कामयाबी प्राप्त की है, जिनकी गिरफ्तारी के उपरांत लूटे गए ई रिक्शा व ई रिक्शा में प्रयुक्त बैटरी बरामद हुई हैं। कुल 6 घटनाओं का खुलासा हुआ है। इनके द्वारा जनपद हाथरस, जनपद एटा में अब तक कुल 6 घटनाएं कारित की गई हैं, जिनका पुलिस के द्वारा अनावरण किया गया है। लूटे गए ई रिक्शा बरामद कर लिए गए हैं। घटना में जो मृतक का मोबाइल था उसकी कवर बरामद कर ली गई है। अन्य दस्तावेजी अभिलेख भी इनके कब्जे से बरामद हुए हैं। इस प्रकार से विगत कई माह से ई रिक्शा चालकों के साथ हो रही इन घटनाओं पर यह गैंग लगातार सक्रिय रूप से काम कर रहा था। उल्लेखनीय है कि दिनांक 15 फरवरी को रैन बसेरा रोडवेज बस अड्डे में यह रुके भी हैं। पुलिस को सूचना पर पुलिस ने छानबीन करके वहां से भी इस तथ्य की पुष्टि कर ली है। इस घटना में नशे की गोलियां जहां से खरीदते थे उन मेडिकल स्टोर के संचालक के विरुद्ध भी नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी तथा जिन लोगों ने सामान को खरीदा है उनके विरुद्ध भी पुलिस के द्वारा कार्यवाही की जा रही है।